शहर के सुंदरीकरण के लिए नगर निगम प्रशासन लगातार अतिक्रमण पर अभियान चलाता है, लेकिन आमजन द्वारा बार बार अतिक्रमण किया जाता है। शनिवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह की निगरानी में मोहदीपुर चौक से लेकर चार पाठक पुल तक अतिक्रमण हटाया गया। मोहदीपुर चौक पर रेलवे की जमीन पर बने दुकान के दुकानदारों से नगर निगम प्रशासन की नोकझोंक भी हुआ, लेकिन नगर आयुक्त के आक्रोश को देखते हुए दुकानदारों को पीछे हटना पड़ा और दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान में संयुक्त नगर आयुक्त सुमित सिंह, अधिशासी अभियंता मनोज श्रीवास्तव, सफाई इंस्पेक्टर पीएन गुप्ता सहित स्थानीय प्रशासन पूरे दल बल के साथ मौजूद रहा, जिसकी वजह से अभियान में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, आप इलाके है अपनी जमीन रखिए, अगर दुकान बना रहे हैं भाई सर, जमीन से क्या करेंगे सर? अरे भाई सुन लो, बिना नोटिस ही दुकान तोड़ देंगे। नोटिस आपको पहले रेलवे ने भी दे दिया, रेलवे ने दिया, ये हद तक दिया सर, हद तक। आइए सर, दिखाएं हम दिखाए, बता रहे बंद करो। कहा गया प्राइवेट जमीन लेते हैं, गलत दुकान खड़ा करेगा, हम ले आएंगे सरकारी जमीन। सर हमको एक दिन का तुम मौका दीजिए सर, हाथ जो मैं आप आगे सर, एक दिन का मौका thank you.
Yeah.
निगम द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज मोहद्दीपुर से ओवरब्रिज के आगे तक इंक्रोचमेंट हटाने का कार्य किया है। आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने मेन सड़क पे रोड की पटरियों पे बोर्ड लगा के निर्माण करके कब्जा कर रखा है उसको हटवाया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी अभी करीब 15 दिन पहले इंक्रोचमेंट हटाया गया था, इन लोगों ने फिर दोबारा बोर्ड लगा लिया है। आज फिर इनको चेतावनी भी जारी की जा रही है और अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। साथ ही साथ जो दुकानदार प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं उनसे पेनाल्टी लेने की कार्रवाई की जा रही है और प्लास्टिक मुक्त शहर के बारे में बताया जा रहा है। ये मोहद्दीपुर में जो आप देख रहे हैं, जो लोगों ने मेन सड़क पे दुकानें बढ़ाने का प्रयास किया है, नगर निगम की पटरियों पे अपनी दुकान लगा लिया है, इनको हटाया जा रहा है।